ਨੀਲਮ ਜੀ ਨੀ ਆਈ ਕੋ ਫੁੱਫੀ ਆ ਗਈ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੋ ਤੁਮ ਦੇਖੇ ਕਿਤਨੀ ਯੰਗ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦੋਰ ਫਿੱਟ ਕਨਕ ਦੇ ਠਾ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਕੈਸੀ ਈਦ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੂ ਈਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਚਾਰਜਡ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਹੈ ਇਧਰ ਵਾਲ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲਾਨਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸੋਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੀ ਕੈਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ एक्सलेंट जी किसी का इंटरव्यू ले रहे हो डेफिनेटली ईद पे इंटरव्यू भी लिया है लेकिन ईद हमारे यहाँ ऐसा फेस्टिवल है फैमिली फेस्टिवल है और जितना अच्छा मनाना चाहिए हम उतना अच्छा तो नहीं मनाते खाना खाते हैं सोते हैं लेकिन जिस तरह दुनिया भर में सेलिब्रेट की जाती है ईद जिसमें बच्चों के लिए अलग से चीज़ें होती हैं बड़ों के लिए अलग से होती हैं ख़वातीन के लिए अलग से होती हैं हमें भी ईद को और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने के तरीके ढूंढने चाहिए वाकई सही है सुहेल साहब जी माशाल्लाह ईद भी अच्छी आम दिन भी अच्छे क्योंकि जिदा इंटरव्यू लैन जाना रोटी भी ओदे कोलो खानी मतलब खान पीन वाली चीज गड्डी भी ओदे च फिरना गड्डी भी ओदे वाली च फिर जाना तो बताए आप जब वहां पहुंचे तो मैं कहां था नीलम कोई बकरा आपने कुर्बान किया अब की बार तो बैल की कुर्बानी की थी बहुत अमेजिंग था इतना तगड़ा सारे बच्चे आते थे देखने के लिए और अभी भी मैं जाती हूँ पीछे गली में भी आगे मोहल्ले में भी रोड पे भी कहीं पर चक्कर लगता तो मैं रुक जाती थी और मैं देखती थी और बड़ा मजा आता है जी, बैल की कुर्बानी की थी आओ तो सानू खल क्यों नहीं देती ये तो इतना बदतमीज आदमी है मोहल्ले में किसी ने वैडी ली कुर्बानी के लिए उसको जाके कहने लगा भाई जान पावे मेनू देना और कहना परसों ईद है आके ले जी अगले दिन फिर चलेगा भाई जान पावे मेनू देना अगर कहना परसों ईद है आके ले जी फिर चला गया उदा भरा आख गया कहना भाई पावे ला के इनू दे दे वैडी जड़ी ईटा ते ला दे टोरदी वैडी ते पावे खाणू फिरन दे सुहेल साहब आपकी कुर्बानी आपने जी हमारे यहां चूंकि ज्यादा पसंद किया जाता है बकरे का गोश्त तो बकरे की हर दफ़ा हम कुर्बानी करते हैं और हम फ्रिज नहीं भरते और फौरन उसको तकसीम करते हैं क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान में वो रुझान ख़त्म होना चाहिए हाँ। कि जो हम लोग फ्रिजें भर लेते हैं और एक महीने तक गोश्त की दुकानें बंद रहती हैं इसकी बजाय लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें डिज़र्विंग को और इतने लोग डिज़र्विंग हैं पाकिस्तान में कि ईद के मौके पर हर एक के घर में गोश्त जरूर पहुंचना चाहिए और सुहेल भाई का ना बिल्कुल ये रिकॉर्ड है कभी गोश्त फ्रिज में नहीं रखते हाँ। बचेगा तो रखेंगे एडा कि बकरा होता बेचारा नहीं तो ये माशाल्लाह इतने प्यारे हैं कि हम बकरा लेने जब मंडी पहुंचे तो बकरा वहाँ पे खाना खा रहा था मजबूरन हमें भी दो चार बुर्कियाँ लगानी पड़ी तो बकरा थोड़ी देर में बदीद हो गया वो कहता मैं खाऊं या आपने खाना है तो साहब आप बकरे आप खुद परचेज करते हैं या स्पॉन्सर्ड होते हैं पॉलिटिशियन से या दूसरे लोगों से नहीं अल्लाह ने बचाया हुआ है स्पॉन्सरशिप से ये इस बारे में इनका सुना कि ये शरीफ आदमी इस हिसाब से ये जितनी बोल्ड जितनी बोल्ड गुफ्तगू करते हैं ना ये ले भी नहीं सकते स्पॉन्सर किसी से और आप बकरा खरीदती हैं या फैंस पहुंचा देते हैं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं नहीं ये सुबह उठते हैं ना तो इन्होंने बुए च बकरे बने होंगे नहीं घर वाले लेके आते हैं भाई लेके आते हैं अच्छा अच्छा ये मैं पूछ रहा हूं ये खुद खरीदती हैं मतलब जब कोई सीरियल सहन करती है ना तो लिख लेती जी इतने पैसे और साथ दो बकरे तो ये तो अपनी मेहनत में से बंदा ले सकता है ना और एडे खूबसूरत हैं जी ये किसे भी इज्जत च वड़ जान ना सारे बकरे कहंदे है ये खरीदे सानू हां बिल्कुल और इनना दी किस्मत एडी खराब है इन्होंने एक बकरा खरीदया और नस गया हाय हुन लाल टोपी पा के बैठा है तुसी भी नीलम जी बुजुर्ग बकरे खरीदना अच्छा नीलम जी एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ जी बिल्कुल आपको एक फिल्म में हमने देखा माशाल्लाह बड़ी अच्छी फिल्म थी उसमें बड़ी प्यारी भी लगी है काम तो आप हमेशा ही अच्छा करती हैं उसके बाद कोई फिल्म नहीं की इसका कोई मतलब क्या वजह है इसकी उसके बाद मैंने बड़ा जबरदस्त ड्रामा किया जिसमें मैं चुड़ैल बनी हुई थी दिलनवाज हैं
Yes. एडी सोनी चढ़ेल होगी तो हर बंदा कोई मेनू चमड़ जा। तो कहते ही यही है कि शुरू-शुरू में बड़ी खूबसूरत होती है और मुझे लगा कि लोगों ने मुझसे कहा भी कि नहीं करें, नहीं देखेंगे, रिलेट नहीं करेंगे, मगर उसमें वो सारा खवातीन का फ्लेवर था, जादू टोना था, वो एक लड़के पे आशिक हो जाती है, वो प्रोजेक्ट मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने वो किया और अब एक और फिल्म साइन किया। यस लो जी मुबारक हो, तेरे फिर समोसे बिकणगे होते। अब कॉन्ट्रैक्ट पे कितने बकरे लिखवाऊं? 4 लिखवा लो, 2 हमें भेज दो आप। मुझे आप ये बताएं नीलम, बकरा ज़िबा होते हुए या कुर्बानी होते हुए आप देख सकती हैं खून बहते हुए? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मैं तो देखती हूँ, बड़ी बहादुर हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हमसे नहीं देखी जाती, लेकिन मैं देख लेती हूँ। कितने बकरे ज़िबा होते देखे हैं आपने अपनी जिंदगी में? घर में जो आते हैं या मोहल्ले में, अगर बैक टू बैक बिल्कुल सामने सामने हो रहे हैं, लेकिन अपने वाले के लिए स्पेशली मैं उठती हूँ कि अम्मी जब कुर्बानी या ईद के पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन मुझे उठा दी। बड़ी हिम्मत है। कभी कभार आपको अनाड़ी का साय भी मिल जाते हैं, यू फील के मतलब मैं क्या करूँ। साहब आप देख सकते हैं आप खून बहता? देख तो सकता हूँ, लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे कोई ये खून बहता हुआ देखने में वाकई मुझे भी थोड़ा खौफ महसूस होता है। नरम दिल हैं। मेरा बेटा जो है वो कुर्बानी के वक्त मौजूद होता है, मैं यूजुअली उधर दूसरी साइड पे चला जाता हूँ। ये जब बकरा पक जाता है फिर कहते हैं ले आओ भी रखो। जी नीलम जी, आज ईद का दिन है, आप ईद किसके साथ गुजारती हैं? वैसे तो आज मेरे साथ गुजार रही हैं, लेकिन yes. वैसे किसके साथ गुजारती? आई थिंक इंडस्ट्री के लोग अपनी इट्स लाइक अ फैमिली यू नो, अच्छे दिनों में या कभी कभार कोई डिफिकल्टीज हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है हम सब एक दूसरे के साथ होते हैं। सो यस इट्स माय सेकंड होम और वैसे घर पे आई सो वांट टू सेलिब्रेट ईद अपने गांव में पेशावर में, मगर वो हो नहीं पाती है। पेशावर गांव तो नहीं है शायद। आई नो, लेकिन कोहाट सवात मेरी सारी खालाएं अम्मी का घर ये वो सब इधर उधर हैं, सो मैं उसी को उसी में काउंट करती हूँ। बड़ा सुकून है, बहुत मजा है। आप केपी से हैं? हाँ जी। केपी बड़ा खूबसूरत सूबा है ना। इलेक्शन से पहले वहाँ परवेज खटक साहब थे वजीर आला, उन्होंने लब के सब तो बीमार नू वजीर आला लाया और जिन्हें दिन पेशावर च डेंगी रहा ना वो बड़ा आकड़ के रहा, मरते नहीं सी स्प्रे ना। वो कहता साडा दौरे इकतदार आया तो सानू ही मारन टुरे हो। डेंगी ने परवेज खटक साहब ना मुकाबला पा लिया जी, इस मुकाबले दे रेफरी सन विच। हाँ जी, इधर डेंगी नू सीटी मारते से इधर परवेज खटक साहब नू मारते। ये बताना चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के मच्छर भी जो बड़े सिंसियर होते हैं। बड़े सिंसियर, ये मोहब्बत है, वो काटते भी है ना तो दर्द नहीं होता। सही बात, क्योंकि जाके देखो उत्थे तानू उन्हां ने नाम ही कटिया ना तानू दर्द हो जानी है। मैंने फिर तो यकीन है तेनू हाथ लगे लगदे ने। और जब इन्होंने स्प्रे करने वालों ने पूछा ना कि भाई पेशावर से क्यों नहीं जा रहे, कहते जी सानू कढ़ना है तो साढ़े मुर्शदानों भी वजीर आला हाउस चो कढ़ो। ऐस किया तो उन्होंने वजीर आला नहीं बनाया, पीछे फैमिली आ जाती पी 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 कर। लेते एक छोटी सी ब्रेक। जेल दियां कड़ियां नु कौन जानदा, मैं जानदी हां मेरा प्यो जानदा। नाज़रीन यकीनन इस ब्रेक में आपने कोरमा शोरमा तो खा लिया होगा। हम चलते हैं अपने गेस्ट के पास। जी आपसे एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, आपने इतने इंटरव्यूज़ किए, हसीनाओं के इंटरव्यूज़ किए, सबसे ज़्यादा किसके साथ आपको मज़ा आया इंटरव्यू लेने का? हसीनाओं से इंटरव्यू करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बेहतर से बेहतर की तलाश में हूँ। अगर कोई शख्स ये कहे कि उसको हुसन पसंद नहीं तो मेरा ख्याल है कि हाँ उसके अंदर एस्थेटिक्स ही नहीं है। बिल्कुल, इसलिए हुसन को पसंद करना तो मेरा ख्याल है बिल्कुल इंसानियत है। बाकी बात ये रही कि भाई हुसन की तलाश तो रहती है। इतनी खूबसूरत सेल साहब ने बात की है, इनको हुसन की तलाश रही है। जो भैन ने मास्टर किया ना लोग रोजगार की तलाश फिरते रहे, हुसन की तलाश फिरते रहे। सवाल सिर्फ इंसानी हुसन का नहीं, तहरीरी हुसन का भी है, फन के हुसन का भी है, तो उसकी तलाश तो जारी रहती है। आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं। सर आपने इतना हुसन तलाश किया है कि आपकी हर चीज के अंदर अल्लाह ताला ने एक हुसन पैदा कर दिया। ए बेचारा देखें अगर हसीनों में रहेंगे तो कुछ थोड़ा बहुत असर तो होगा। हुसन है आपके कलम में, हुसन है आपके आपके लिखे हुए में हुसन है। और ये आपको इंटरव्यू देने के चक्कर में मौत के खुद खुसरा बन के नचता रहे। सब मेरे से भी ध्यान पै जाए, मेरा भी इंटरव्यू हो जाए। उस्ताद जी मैं तो नाचता सी तो मोटरसाइकिल कितने चलाते? तेरे ते चलाते, तेनू पिछे। नीलम मुनीर है,
इनके हुस्न को देख के कोई स्टन ना हो, ये कैसे मुमकिन? कैसे मुमकिन? मैंने तो डेढ़ घंटा तो आपको पता है, मैंने सुहेल साहब को इंटरव्यू नहीं दिया एंड हम बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं, वे एक्साइटेड। अभी आपने नाम नहीं बताया उस हसीना का जिसका? नहीं, मैंने कहा मैंने तकरीबन सब एक्ट्रेसेस का किया है, एक दो तो नाम बता दे। नहीं देखे दोस्तों, खैर सब नोन है, नूर बहुत अच्छी है, सना बहुत अच्छी है, रीमा बहुत एटिकेटेड है, तो ये टॉप लोग हैं। मीरा है, मीरा बहुत समझदार है, बड़ी समझदार, बड़ी मेहनती है, बहुत बड़ी बड़ी लिखी तो नहीं है, मेहनती डरी लिखी है, थोड़ी सी सड़ी लिखी भी है। हम मीरा के घर गए, हमने वहां जाके बेल दी, करंट खाया, फिर हम दो घंटे वहीं बैठ गए, फिर मीरा ने हमें फोन किया, गेट के नीचे से चाबी पकड़ाई, हम मंदिर गए, मीरा ने खाना खिलाया, साथ ही पानी छोड़ दिया, फिर हम तैरने लग पड़े। और फैसल भाई, आपने कहा कि सुहेल साहब हमेशा खूबसूरती का इंटरव्यू करते हैं या मशहूर बंदों का करते हैं, लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे जैसे बंदों का भी इन्होंने इंटरव्यू किया हुआ है। अच्छी बात है, मैंने तो भट्टा मजदूर का भी किया हुआ है, मैंने तो पप्पू ढोली का भी किया हुआ है, यानी जो इन्होंने ये सिर्फ ये कहा ना कि बड़े बड़े लोगों के करते हैं, नहीं, जहाँ टैलेंट होता है वहाँ जाके हम करते हैं। नीलम, सवाल आपसे।